चुनाव के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में महाकाल की पूजा की और विजय का आशीर्वाद लिया। इससे पहले कल विधि विधान के साथ सीएम ने महाकाल लोक के दूसरे फेज का उद्घाटन किया। महाकाल कॉरिडोर के दूसरे फेज पर 242 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पिछले साल इसी अक्टूबर के महीने में पीएम मोदी ने महाकाल कॉरिडोर के पहले फेज का उद्घाटन किया था। पहले फेज के निर्माण पर 351 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब इस दूसरे चरण में कॉरिडोर के नीलकंठ क्षेत्र में विकास कार्य किए गए, जबकि मंदिर परिसर में शक्ति पथ, अन्य क्षेत्र, रुद्र सागर का विकास किया गया है। इसी तरह सबसे महत्वपूर्ण महाकालेश्वर शिखर दर्शन की सुविधा भी यहां उपलब्ध कराई गई। गुरुवार की रात महाकाल कॉरिडोर का अलौकिक नजारा ड्रोन कैमरे में दिख रहा था। सोशल मीडिया पर महाकाल की नगरी की तस्वीरें कल रात से वायरल हैं। लेकिन मौका चुनावी है, लिहाजा मध्य प्रदेश की सियासत में महाकाल लोक का मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस महाकाल को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कल मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने धार में शिवराज सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि महाकाल कॉरिडोर के निर्माण में घोटाला हुआ। जब महाकाल की मूर्तियों के साथ सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां हैं उन्हें स्थापित एक दिन किया, अगले दिन बह गई। इनके साथ जब भ्रष्टाचार हो सकता है, जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है, तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बदल डालने का? मई महीने के आंधी तूफान में महाकाल लोक की मूर्तियों को नुकसान हुआ था, जिसको लेकर विपक्ष ने गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। अब प्रियंका गांधी ने चुनाव में मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या जवाब दे रहे हैं वो देखिए। प्रियंका गांधी भी आई थी मध्य प्रदेश के दौरे। अरे भैया, मैं महाकाल बाबा का नाम लेने दो यार, कहां। कुछ साधु संतों ने पितृपक्ष में उद्घाटन के शुभ काम पर एतराज भी जताया था। महाकाल लोक पर सियासत गर्म है और चुनाव तक गर्म रहने का अनुमान है, लेकिन शिवराज महाकाल लोक के जरिए भोपाल की सत्ता तक फिर से पहुंचना चाहते हैं।